नहीं सहेंगे। सभी प्रसाद को जेल भेजो। सभी प्रसाद को जेल भेजो। सभी प्रसाद मुर्दाबाद की क्या दवाई? जूता लेकर करो पिटाई। सभी प्रसाद मुर्दाबाद। सभी प्रसाद मुर्दाबाद की क्या दवाई? जूता लेकर करो पिटाई। सभी प्रसाद मुर्दाबाद। सभी प्रसाद मुर्दाबाद। जेल भेजो। सभी प्रसाद हाय हाय। सभी प्रसाद मौर्या मुर्दाबाद। धर्म जनता अपमान नहीं सहेंगे। महोदय फुटैया ना फाड़ो भैया, मार दे। किनारे हो भैया, किनारे खड़ा हुआ है। को संबोधित करते हुए हमारा एक शांतिपूर्ण ज्ञापन विषय है हमारा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में हम अधिवक्तागण व समस्त क्षेत्रवासी तहसील बल्दीराज जनपद सुल्तानपुर हम निम्नवत चार सूत्री मांग करते हैं। ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज के धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के चरित्र चित्रण पर विवादित टिप्पणी कर कुरचित साजिश के तहत बयान देकर दंगा भड़काने व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश में समूचे भारतवर्ष के हिंदुओं के भावना आहत हुई है, जिससे जहां विवादित टिप्पणी के साथ ही पवित्र ग्रंथ को जलाया भी गया जो क्षम्य नहीं। बिंदु दो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अविलंब मुकदमा पंजीकृत करवा कर जेल भेजा जाए। बिंदु तीन, यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक पेशे पर पूर्णतया बैन लगाया जाए। महोदय, हमारा आखिरी बिंदु यह है कि उपरोक्त प्रकरण पर गंभीरता से कार्रवाई करवाकर आम जनमानस की भावना को सांत्वना देने की कृपा करें। यदि दोषियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल नहीं भेजा जाता है, तो हम अधिवक्ता संघ ये वहां पर केस दिया जाएगा। और सभी से ये अनुरोध है, किसी भी प्रकार से किसी भी जाति धर्म किसी के विषय में कोई अनुचित टिप्पणी ना करें और समाज में किसी प्रकार का जिससे किसी प्रकार की वैमनस्यता बढ़े इस तरह की कोई अनुचित टिप्पणी ना की जाए। सभी लोग मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहें। जो कार्रवाइयां हैं वो शासन के नियमानुसार हो रही हैं और वो हो।
ठीक है।